हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 जो रिवीजन में बाकी है सेक्शन डी में, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं जो मैंने आप लोगों को बताया था लेसन नंबर 10 में से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 के अंदर से मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेजोरिटी, व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी की डेफिनेशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पेज नंबर 133 में 17 लेसन के फ्रंट पेज में ही आप लोगों को पॉवर्टी की डेफिनेशन और क्या कंडीशन है, नेसेसरी थिंग्स वो यहाँ तक दी है। पुअर किसको कहते हैं और पॉवर्टी क्या है, तो ये आप लोगों को लिखना है। और उसके जो पीपल बिलो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन PBL, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, बराबर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो WHO के द्वारा दिए गए हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है आप लोगों को लिखने हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉवर्टी की जो बिलो टू पीपल हु लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये सारे जो है WHO के द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, तो ये आपको लिखने हैं। तो ये फर्स्ट आंसर आप लोगों का पॉवर्टी का यहाँ पे दिया ही है, ये आप लोगों को लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, राइट इन डिटेल अबाउट द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने सारे प्रोग्राम्स के बारे में, लेकिन एग्जाम के अंदर सो है सारे नहीं पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 या 3 जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करने होते हैं। तो जिसके अंदर मोस्टली जो एलिविएशन प्रोग्राम है उसके अंदर फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, माँ अन्नपूर्णा योजना, मनरेगा दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, बहुत बार ये पूछा गया है, एंड वाजपेयी बैंकेबल योजना, मिशन मंगलम, तो ये जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारे एलिवेशन प्रोग्राम पढ़ के रखने हैं, क्योंकि इसमें से सारे एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन कोई 2 या 3 प्रोग्राम्स को आप लोगों को डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट जो है, स्टेट द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस इट्स टाइप, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन एंड उसके जो टाइप्स है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, पेज नंबर 100, यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेशन एम्प्लॉयमेंट की और उसके बाद उसके जो टाइप्स है एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट तक, ये सारी पूरी थियरी जो है आप लोगों को लिखनी है। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी का जो स्थान है वो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं, डिस्कस द मेजर टू रिड्यूस एन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स, मेजर्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो तीनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भारत के अंदर जो गरीबी का जो स्थान है, तो ये पैराग्राफ हम लोगों को दिया है, लेकिन उसको हम लोगों को टॉपिक वाइज लिखना है। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड पॉवर्टी लाइन इन 2011, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एज विच इज, ये पूरा लिखना है। और अर्बन एरिया का जो है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ₹1000 पर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू फैमिली एक्सपेंडिचर डिक्लेयर इट इज 5000, दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर रीच अवर
sorry out expenditure. On the basis of a new criteria, number of poor has reduced of 27 crore in 2011 and 12. यहाँ पे आप लोगों को जो नंबर्स है वो याद रखने पड़ेंगे. 9 और 10 का रेशियो नहीं लिखोगे चलेगा, प्रो प्रेजेंटली है वही लिखने का. 9 और 10 का रेशियो ये था, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 35.47 करोड़ पर लिविंग इन पॉवर्टी इन इंडिया. According to the one report of World Bank, India's total population was approximately 121 crore, out of which 32.7% people were living in below poverty line, which makes about 45.6 crore. अभी highest rate किस किसका है, कौन से state का? एज पर द रिपोर्ट, ये भी लिखना है, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है उसमें इस रेशियो दिया है कि 2012 में 21.92% था टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से रूरल एरिया का 25.7% और अर्बन का 13.7%. इट मीन्स टोटल आउट ऑफ टोटल पुअर इज 26.93 करोड़, 21.65 crores people in the rural area and only 5.28 crores people in a urban area. जिसमें से छत्तीसगढ़ की poor state और गुजरात के अंदर जो proportion है वो याद रखना है, और जो lowest है वो लिखना है, जो highest है और lowest है. इसके अलावा छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा have more than 30% proportion of poverty in India. ये हो जाने के बाद ये एक पैराग्राफ था, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट था कि द पुअर लिव्स इन द वेल्दी इंडिया. तो ये 2 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर भी इंक्लूड करना है कि हमारे पास जो है रॉ मटेरियल और जो नेचुरल रिसोर्स है, दैट इज अ लार्ज ऑफ नंबर एंड प्रोस्परस है जो इंडिया है वो, बट वी हैव टू बी लैक ऑफ एबिलिटी और नॉट टू बी एजुकेटेड एंड ट्रेनिंग स्किल नॉट हैव टू बी प्रॉपर यूज, एंड दैट इज वाई ये जो सारी चीज है उसका प्रॉपरली यूज नहीं हो सकता है. एज पर द रिजल्ट प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉवर्टी हैज नॉट रिड्यूस, और जिसकी वजह से जो प्रॉवर्टी का रेशियो है वो कम नहीं हो सकता है. तो ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को लिखना है. उसके बाद डिस्कस द मेजर ऑफ रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, रीजन्स ऑफ प्रॉवर्टी, प्रॉवर्टी होने के मेन्स रीजन क्या है. तो ये टॉपिक वाइज आप लोगों को दिया ही है कि किस वजह से प्रॉवर्टी जो है वो क्रिएट होती है. फिर इरीगेशन फैसिलिटी नहीं होती है, माइग्रेशन नहीं करते हैं लोग, बराबर, उनको बेसिक नीड्स नहीं मिलती है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉवर्टी होती है. उसके बाद डिस्कस द मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए हैं. तो एफर्ट टू रिड्यूस टू एम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा है, बट यू हैव टू बी सॉर्ट आउट, इसको शॉर्ट करके आप लोगों को लिखना है. टोटल 9 टॉपिक्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, बट यू हैव टू बी वेरी बिग, तो इतने बड़े नहीं, लेकिन हर एक टॉपिक को मिनिमम 2 और 3 लाइन समझाना है कि गवर्नमेंट्स के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए हैं. उसके बाद give information about the effort made by the government to reduce the poverty strategy, poverty reduction, जिसके अंदर जो है हम लोगों को पॉवर्टी कम करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं. तो ये हम लोगों को जो है
दिए हैं, ये बहुत ही ब्रीफ है हर एक पॉइंट, लेकिन उसमें से जो शॉर्ट आउट है और जो मेन टॉपिक्स है उसको आप लोगों को इंक्लूड कर लेना है आंसर के अंदर। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह से जो ब्रीफ पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एंड लास्ट वन देयर इज अ मैप, मैप समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप लोगों से मैप आने वाला है। सेक्शन बी और सी के लिए आप लोगों को सारे लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। ओके, मैप में जनरली आप लोगों को जो भी क्रॉप दिए गए हैं 10 चैप्टर में से, जैसे कि हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे पल्सेस, चलो मेज पकड़ लेते हैं। मेज जो है कौन से स्टेट के अंदर होता है, तो मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मेज आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो राजस्थान के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन गुजरात के अंदर भी ये होता है। तो आप लोग कोई भी प्लेस जो है वो दिखा सकते हो। जो मैप है उसमें इस तरीके से कोई भी एक सिंबल बना के उसको आप लोगों को फंक्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। कोई भी फंक्शंस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, शेप्स का सिलेक्ट करते हो, कुछ क्रॉस जैसे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये मैप है तो हम लोगों ने राजस्थान देखा, तो आप लोग राजस्थान के अंदर जो है वो ये स्टेट को दिखा सकते हो। तो आप लोग ये प्लेस पे जो है कहीं पे भी कर लो तो चलेगा। जैसे कि ये जो है राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आप लोग कोई भी प्लेस पे स्पेसिफाई नहीं, लेकिन कोई भी प्लेस पे यहाँ पे कर लो कि चलो यहाँ पे मेज, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है मेज, बराबर, राजस्थान नहीं लिखना है, मेज लिखना है, और वो सिंबल को आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाना है। उसी तरह हम लोग पैडी देख लेते हैं। तो पैडी जो है वो मोस्टली कल्टीवेशन इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा, मेजोरिटी जो है वो तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी हम लोग ले सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो एरिया है ऐसे करके मैंने लाइन दिया है, तो आप लोग ऐसे लाइन करके बता दो कि भाई पैडी, तो वी हैव टू बी नो दैट ये क्या है, और ऐसे ऐसे बॉक्स के अंदर कल्टिवेट। तो लेसन 10 के अंदर से मेजोरिटी क्रॉप्स जो है आप लोगों को दिए है, ये जो क्रॉप्स है वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि सुगर कैन है, तो आप लोगों को दिया है कि कहाँ पे सुगर कैन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी स्टेट, वैसे तो बहुत सारी जगह पे होता है तो, लेकिन मेजोरिटी जो प्लेस के अंदर प्रोड्यूस होता है, वैसे जूट है, तो जूट कोलकाता, वेस्ट बंगाल यहाँ पे जो ज़्यादा है, बराबर। कॉटन, तो कॉटन जो है गुजरात के अंदर जो है ज़्यादा होता है। उसके बाद पंजाब के जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है ज़्यादा होती है, ब्लैक सॉइल, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को दिखानी है। राजस्थान के भी कोई रीजन के अंदर ये कॉटन जो है प्रोड्यूस होता है, फिर उसको नीचे सिंबलाइज करना है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर मैप फॉर इट, और उसके लिए आप लोगों को आगे जैसे मैंने बताया था कि एक मैप जो है आउटलाइन उसको ड्रॉ करके रखो, अदरवाइज आई विल सेंड अ पीडीएफ, उसका जेरोक्स निकाल लो या फिर आउटलाइन मैप लाकर भी रेडी कर सकते हो। थैंक यू।